गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरपुर। हम लास्ट वीडियो में हमने क्लोज देखे थे, क्लोजेज यानी उपवाक्य, ठीक है। टेंथ इंग्लिश का क्लोजेज पार्ट चल रहा था अपना, और क्लोजेज पार्ट में हमने सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन देखा, क्लोज का डेफिनेशन देखा, क्लोज कितने टाइप्स के होते हैं, जो मेन क्लोज था, उसके बाद सब क्लोजेस था, सब क्लोजेस के जो थ्री पार्ट्स थे, उस पार्ट्स में से सबसे पहले हमने नाउन क्लोजेस देखा। नाउन क्लोजेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसमें टू पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट्स कौन, पहला पार्ट कौन सा था? नाउन क्लोजेस का पहला पार्ट था क्वेश्चन क्लोज। क्या था फर्स्ट पार्ट? क्वेश्चन क्लोज, पर्सन वाचक या पर्सन वाचक उपवाक्य या पर्सन युक्त उपवाक्य, ठीक है। क्वेश्चन क्लोज तो पर्सन युक्त क्या है, ये उपवाक्य है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे कि वे क्लोज जो पर्सनवाचक वाक्यों को, वे क्लोज जो पर्सनवाचक वाक्यों को, वे क्लोज जो पर्सनवाचक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्वेश्चनल क्वेश्चन क्लोज कहलाते हैं। वे क्लोज जो, वे क्लोज जो पर्सन वाचक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे क्वेश्चनल क्लोज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन क्लोज भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन क्लोज है, एक तो है डब्ल्यू एच वर्ड क्लोजेस और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच क्लोजेस, और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब क्लोजेस। हेल्पिंग वर्ब क्लोजेस पहला क्या, डब्ल्यू एच वर्ड क्लोजेस और दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्लोजेस। अब इस डब्ल्यू एच वर्ड क्लोज को देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्लोज को कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार का है। अब इसमें क्या होता है, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड क्लोज को चेंज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य, यानी जो बिना डब्ल्यू एच वर्ड, क्या लिखना है, बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य क्या करेंगे, जो बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य है वो पहले लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य पहले लिखेंगे। अब दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, डब्ल्यू एच वर्ड के, डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ वाले शब्द को हटा देना है, क्या कर देना है, डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ वाले शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। पहली दो बातें लिखी हमने डब्ल्यू एच क्लोज में, डब्ल्यू एच क्लोज में क्या लिखा है, बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ वाले वाक्य को
हटा देंगे। और तीसरी बात, विशेष बात इसमें क्या लिखनी है, इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड ग्रुप में से डब्ल्यू एच वर्ड लिख कर बाकी वाक्य को साधारण वाक्य बना देंगे, ऐसा सिंपल सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, ये तीन बातें इसमें विशेष बताई है मैंने। क्वेश्चनल सेंटेंस दो प्रकार के हैं। क्वेश्चनल सेंटेंस में एक तो है डब्ल्यू एच वर्ड वाला और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला सबसे पहले देखा, इसमें अगर चेंज करना पड़े तो क्या चेंज करेंगे, बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो सेंटेंस है उसको पहले लिखेंगे, फिर डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ वाले शब्द को हटा देंगे, यानी जिससे डब्ल्यू एच वर्ड का अर्थ निकलता हो वो शब्द हटा देंगे। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड ग्रुप में से जो डब्ल्यू एच वर्ड से डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे और बाकी सेंटेंस को क्या बना देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे या सकारात्मक वाक्य बना देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक से समझ में तभी आएगा जब हम एक दो एग्जांपल साथ साथ में करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा है व्हेन विल द ट्रेन कम, व्हेन विल द ट्रेन कम, कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन विल द ट्रेन कम, कि ट्रेन कब आएगी, कैन यू टेल मी दैट, क्या तुम वो मुझे बता सकते हो या वह बात मुझे बता सकते हो, जो दैट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, व्हेन वाले वर्ड को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस को लिख देंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें नहीं है, सीधा का सीधा लिखेंगे कैन यू टेल मी। अब इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ को दैट प्रयुक्त कर रहा है, क्यों, क्योंकि वह पूछा गया है, उसमें वो लाइन बता रहा है, देखिए व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी, कैन यू टेल मी दैट, क्या तुम वह मुझे बता सकते हो, क्या जो ट्रेन आएगी कब आएगी, यानी समय बद पूछ रहा है, तो समय के लिए दैट का प्रयोग हो रहा ना, तो दैट को हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या लिखेंगे, कैन यू टेल मी। अब क्या करना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड था वो डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे ना, तो इस सेंटेंस को अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या लिखा, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है, इसके आधार पे ये क्या हो गया, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, ये सेंटेंस हो गया कंपाउंड क्लोज सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंसों को अलग अलग सेंटेंस को एक ही पार्ट में बना दिया, क्या बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड जो बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य है वो पहले लिखेंगे, तो इसमें बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य ये था, यहाँ पे लिख दिया, अब इसके साथ जो दैट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, वैन को डिफाइन कर रहा है, तो दैट हटा दिया, वैन यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद क्या करना था, इसके बाद वाक्य को क्या लिखना था, सकारात्मक साधारण वाक्य बनाना था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है, फिर वर्ब लिया है और फिर ऑब्जेक्ट लिया है, तो क्या लिखा, कैन यू टेल मी दैट,
कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, व्हेन द ट्रेन विल कम। एक एग्जांपल और देखेंगे इसी के माध्यम से, इसी का एक एग्जांपल हो रहे हैं। आई नेवर बिलीव्ड इन, आई नेवर बिलीव्ड इन, What did you tell her? What did you tell her? I never believed. क्या लिखा है इसने? I never believed. What did you tell her? तो इसमें देखेंगे सेंटेंस को, सबसे पहले क्या लिखना है बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो I never believed. ठीक है, I never believed कर दिया। अब बताओ क्या करें? सीधी सी बात है, इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। तो व्हाट, अगर बताओ क्या होगा? अरे यहाँ पे देखिए, डू डज है, नेगेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो टेल का टोल्ड हो जाएगा। व्हाट यू टोल्ड हर, व्हाट यू टोल्ड हर, आई नेवर बिलीव्ड व्हाट यू टोल्ड हर, दोनों कंडीशनल सेंटेंस थे, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। क्या करना है, हेल्पिंग, सबसे पहले बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस लिखना है। जैसा का ऐसा लिख दिया, डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ वाले शब्द को हटा देंगे, इसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड के अर्थ का शब्द ही नहीं था, नीचे वाले में था, क्या था, दैट था, वो हटा दिया। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड ग्रुप में से डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे। अब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड ग्रुप का कौन सा है, वोट है, वोट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, बाकी वाक्य को पॉजिटिव बनाना है। तो इसमें डिड है, ये पर्सनल क्वेश्चनल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, होता कि नहीं होता, इसलिए इसको किसमें बदल दिया, सेकंड फॉर्म में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्लोज, इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्लोज। सेकेंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब क्लोज, सहायक क्रिया वाले क्लोजेज हैं। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें बताया है कि पहले वाक्य को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, पहले वाक्य को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, पहले वाक्य को क्या कर देंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इफ सूचक शब्द को, इफ सूचक शब्द को हटा देंगे, इफ सूचक शब्द को क्या कर देंगे, हटा देंगे। पहले वाक्य को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, और इफ सूचक जो शब्द है उसको हटा देंगे। अब आगे क्या लिखा है, दूसरा, दूसरे क्वेश्चनल सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे,
किसमें बदल देंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे। और कंजक्शन के रूप में इफ का प्रयोग अगर थोड़ा सा आप क्या करोगे, इसके कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिलाकर देखोगे तो लगभग आपको थोड़ा थोड़ा सेम मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा उसमें? सेम मिलेगा। इसमें टेंस चेंज नहीं होता, उसमें टेंस चेंज होता है, इतनी सी बात है, बाकी लगभग सारा सेम सा मिलेगा। जैसे सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, डू यू नाउ दैट, डू यू नाउ इट करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। इसके साथ ही हैज पास्ड द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम, ही हैड पास्ड द एग्जाम। अब देखो इसमें क्या बताया है, पहले वाक्य को ऐसा का ऐसा लिखना है। Do you know it? ठीक है, Do you know it? अब इसमें यह देखना है कि Do you know तक हम लिखेंगे, क्योंकि it है वो किससे डिफाइन हो जाएगा? If से डिफाइन हो जाएगा। बताया था ना, If सूचक शब्द को हटा देंगे, इस it का प्रयोग है वो if के लिए यूज हो गया, यानी इट है वो इफ सूचक शब्द है। तो डू यू नाउ कंजक्शन में इफ लगाना है, इट है वो इफ सूचक शब्द है। तो डू यू नाउ इफ ही हैज पास्ड द एग्जाम, ही हैज पास्ड द एग्जाम। इजी सा है, क्या करना है, पहले सेंटेंस को वैसा का वैसा उतारना है, और जो क्या है कि इफ सूचक वर्ड है उसको क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है, हटा देना है, उसका अर्थ नहीं लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे। टेल मी दिस, क्या लिखा है? टेल मी दिस, एज ही लेफ्ट स्कूल, एज ही लेफ्ट स्कूल, वही करेंगे। क्या करेंगे, देखो पहला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे, टेल मी दिस को हटा देंगे। क्यों हटा दोगे सर? हटा देंगे हमारी मर्जी, लेकिन आपको ये जवाब नहीं देना, हमारी मर्जी, क्योंकि ये दिस है वो किसके अकॉर्डिंग, किसको, किसके को सूचित कर रहा है, इफ को सूचित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इफ सूचक वर्ड है, इसको हटा देंगे, टेल मी इफ। ठीक है, क्या कर देंगे, टेल मी इफ, और जो वाक्य है उसको हम किसमें बदल देंगे, अब पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो ही हैज लेफ्ट स्कूल, ही हैज लेफ्ट स्कूल, टेल मी इफ ही हैज लेफ्ट स्कूल, टेल मी ही इज, ही हैज लेफ्ट स्कूल। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत ही इजी सा है, आसान सा है। एक एग्जांपल और करवा देता हूं। आगे वाला एक एग्जांपल और कर लीजिए। आई वंडर, सेंटेंस है एक तो आई वंडर,
ठीक है। दूसरा सेंटेंस है विल सी मैनेज इट, विल सी मैनेज इट, विल सी मैनेज इट, विल सी मैनेज इट। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहला सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख दिया आई वंडर, कनेक्टिव कर दिया इफ, ठीक है। अब देखो सी विल मैनेज, आई वंडर इफ सी विल मैनेज इट, साथ में इट आएगा क्योंकि इट तो कोई हटने का नाम ही नहीं है, है ना। उसमें बताया जरूर गया क्या हटाना है, वो हटाना कुछ नहीं है, इफ सूचक वर्ड हटाने, इफ सूचक वर्ड कोई था नहीं इसमें। तो क्या लिखा, आई वंडर इफ सी विल मैनेज इट। यहां तक मैंने आपको क्लोज के दो नए पार्ट बताए हैं आज, ठीक है। सब क्लोज के दो पार्ट थे, ठीक है, उसके दो पार्ट बताए हैं, कंडीशनल क्लोज एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्लोज। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लोजेस किसे कहते हैं, जिसमें वर्षणवाचक वाक्यों को रखा जाता है वो कंडीशनल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वर्षणवाचक वाक्य हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्लोज होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसी माध्यम से आपको क्लोजेस को चेंज करना है। आज हमने केवल क्या देखा है, नाउन क्लोज का एक छोटा सा पार्ट है, नाउन क्लोज का एक छोटा सा पार्ट है, नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज के दो पार्ट बताए हैं, कंडीशनल क्लोजेस एंड दैट नाउन क्लोजेस, कंडीशनल क्लोजेस और दैट नाउन क्लोजेस। सबसे पहले हमने कंडीशनल क्लोजेस किया, कंडीशनल क्लोजेस के हमने दो पार्ट कर लिए, ठीक है। अब दो पार्ट कर लिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल हमीरबाद से। कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।